जय हिंद दोस्तों हंड्रेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मैगजीन्स बुक्स एंड देयर ऑथर्स रेस्ट हंड्रेड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे फिफ्टी फिफ्टी के स्लॉट में दो वीडियोस में वी विल डिस्कस दैम <laughs> ओके एंड okay. होपफुली जितने अभी तक मैगजीन्स वाले जो क्वेश्चन थे जितनी बुक्स वाले क्वेश्चन थे आप उसको रिवाइज कर लिए होंगे एंड एंड इज़ हेल्पिंग यू आउट देखिए बहुत ही कम आउट ऑफ टू हंड्रेड आप मान के चलिए ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे होंगे अभी आगे भी आएंगे जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली नई बुक इस जिसका डिस्कशन होगा अदरवाइज ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर डिस्कशंस इसमें हैं ठीक है सो वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो वन ओके आई थिंक आपको कुछ नॉइज डिस्टर्बेंस हो रही होगी वी कैन वेट फॉर अ मिनट एक्चुअली दर इज़ अ स्प्रेड ऑफ दिस डेंगी के लिए एक स्प्रेड किया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट हर साल में देखते हूँ जब डेंगी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुका होता है जब वायरल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुका होता है उसके बाद ये फ्यूमिगेशन होती है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस हैपन्स इनिशियली आप इसको दो तीन बार बिकॉज हर साल द प्लेस वेर ए ले वहाँ डेंगी बहुत ज़्यादा होता है जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्राम अस्ट्रेंज वायरल फ़ीवर दिस टाइम जो पहली बार ऐसा देखने को मिला एंड द होल यू नो दर्सन एवर पर्सन आई एम टॉकिंग द प्लेस वेर अ लिव यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है हर घर में इसके मरीज़ आपको मिल रहे हैं सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस हैपन्स हर साल उतना पैसा खर्च करना ही है अगर फिर पे तो क्यों ना पहले किया जाए बट आई थिंक दे वेट कि डॉक्टर्स को भी उतना ही पैसे मिल जाए uh, इसके लिए सो एनी वेज वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट ठीक है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट तो इसके राइटर हैं गुरमुख निहाल सिंह ये पहले गवर्नर भी रहे थे राजस्थान के फ्रॉम 1956 टू 62 ठीक है तो ये गुरमुख निहाल सिंह जी ने लिखी है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट द एडिटर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस वाज कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस इसके एडिटर um, कौन रहे हैं तो ये रहे हैं जी ए नेटिसन आई होप आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट द बुक वॉज पब्लिश इन टू पार्ट्स पहला जो पार्ट था इसका वो कंपाइल किया गया था प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1885 एटी फाइव टू नाइनटीन तो अठारह से 1910 के जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब कि जो भी जिस सेशन का प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पीच जो भी देगा उसको कंपाइल किया गया था तो अठारह सौ पिचासी फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टू नाइनटीन हंड्रेड टेन के कंपाइलेशन फर्स्ट पार्ट में थे जबकि दूसरा जो पार्ट था उसमें कंपाइलेशन थे फ्रॉम नाइनटीन इलेवन टू नाइनटीन थर्टी फोर ठीक है तो ये थे जी ए नटेसन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल्स द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि लिखी है किसने जवाहरलाल नेहरू जी ने तो ये क्वेश्चन ये है कि किस जेल में लिखी गई थी कहाँ थे वो जब ये लिखी गई थी तो वो अहमदनगर फोर्ट जेल में थे अहमदनगर फोर्ट जेल में वो रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जब उनको गिरफ़्तार किया गया था 1942 से 45 तक और उस समय उन्होंने ये बुक लिखी थी इसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी थी मेरी कहानी एंड ग्लिम्पसेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री ठीक है तो ग्लिम्पसेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी ये भी उन्होंने प्रेजेंट लाइफ के दौरान ही लिखी थी देखिए प्रिजन में इन लोगों को उस समय टाइम मिलता था या ट्रैवल करते समय जैसे गांधी जी ने हिंद स्वराज लिख दी थी ट्रैवल करते समय दस दिन में बिकॉज उस टमें उस समय शिप से ट्रैवल करते थे प्रिजन में हैं अब बाकी बाहर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो आ, अपने जो भी इनके आगे के विजन होते थे वो बैठ के बनाते थे और खाली टाइम में अपना बुक्स लिख रहे हैं बिकॉज़ उस टाइम पर इवन प्रजेंट में तो आज भी आ, 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 ऐसा तो है नहीं आपको कोई बहुत मनोरंजन के लिए चीज़ें दी जा रही हैं ठीक है बाहरी दुनिया में और अगर हम अपनी बात करें तो हम भी एक प्रिजन में हैं जिसको हम एक्चुअली रियलाइज़ नहीं करते वी आर इन द प्रिजन ऑफ आर फ़ोन्स तो हम उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं तो इन लोग के पास उस समय दे आर लकी पीपल की इनके पास डिस्टर्बेंसिस के माध्यम थोड़े कम थे और हमारे पास माध्यम बहुत है और हम उनको यूज़ भी भरपूर तरीके से करते हैं हमें लगता है हमने रिचार्ज कराया है तो फिर बस अब कुछ छूटना नहीं चाहिए राइट तो वी आर ऑल्सो इन सम काइंड ऑफ प्रिजन शायद इससे गंदी प्रिजन है हमारे पास बट वी डोंट रियलाइज इट एनी वेज तो उस समय जब इनको टाइम मिलता था इन लोगों को खासकर जब इनको प्रिजन में रखा जाता था उस समय इनके पास टाइम होता था भरपूर तो तब उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी एक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी इसके अलावा दो बुक्स और थी मेरी कहानी एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है लेडी कैथरीन मेो लैरी कोलिन्स एंड डोमिनिक लैपिया आई थिंक ये फ्रीडम एट मिड नाइट हमने डिस्कस किया था देखते हैं राम मनो मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन रही जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है एंड लॉ लेडी कैथरीन मेयो आई गेस इन्होंने मदर इंडिया लिखी लेट्स चेक किए हम कितने सही हैं सो टू वन फोर थ्री होना चाहिए द आंसर इज़ ए टू वन फोर थ्री एस वी करेक्ट लेडी कैथरीन मे ओ मदर इंडिया लैरी कोलिन्स और डोमिनिक लैपियर ने फ्री एम एट मिड नाइट लिखी है राम मनोहर लोहिया जी ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत एक खोज अगर आप लोगों ने ये सीरियल नहीं देखा है भारत एक खोज पे एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक पे एक सीरियल भी बनाया गया था जो कि डी डी वन पर टेलीकास्ट होता था बहुत ही पहले आई गेस इन नाइन्टीज और अभी अवेलेबल होगा आई आई वंट चेक बट अगर कभी भी समय मिले तो प्लीज़ देखिए कुछ जो सीरियल्स उस समय के थे दे आर फॉर द नॉलेज ऑल्सो आपके उपनिषद गंगा करके एक सीरील था जिसमें उपनिषद के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ चीज़ें थी जो बताई गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल था ठीक है तो ये आपकी नॉलेज को ही इनहेंस करेंगे आई गेस जब भी आपको समय मिले तो कुछ इधर उधर का देखने से बेहतर है कि हम इसमें भी थोड़ा समय दें और चूँकि आप लोग प्रिपरेशन में हैं तो ये आपको हेल्प ही करेंगे कहीं ना कहीं सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया इसको स्किप भी कर सकते हैं ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू बंदी जीवन के ऑथर कौन थे तो बंदी जीवन के ऑथर भी हमने डिस्कस किए हुए हैं लास्ट अपने वीडियोज़ में सचिंद्र नाथ सान्याल और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पे बेस्ड थी बंदी जीवन द बुक माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये लिखी है लैरी कोलिंस uh, और डोमिनिक लैपियर और उन्होंने एक और बुक लिखी थी फ्रीडम एट मिड ठीक है तो ये फ्रीडम के आसपास ये रहे होंगे 1947 के आसपास ये रहे होंगे तो इन्होंने लिखी है माउंट बेटन एंड पार्टिशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ फ्रीडम एट मिड माउंटबेटन माउंट बेटन जो थे वो लास्ट वाइस रॉय थे इंडिया के जिन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया प्रपोज किया था अंडर द थर्ड जून प्लान द रिप द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर एटीन फोर्टी नाइन टू फिफ्टी वॉज रिटर्न बाय जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध ये किसने लिखी थी तो ये लिखी थी डब्ल्यू एच स्लीमैन ने जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर एटीन फोर्टी नाइन फिफ्टी आपको अगर याद हो तो स्लीमैन वही थे जिन्होंने स्लेवरी ख़त्म करने में या आई गेस ठगी स्लेवरी ख़त्म करने में कुछ मदद की थी तो डब्ल्यू एच ली एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था टू अबॉलिश द स्विंडल प्रैक्टिसेस द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन एटीन फोर्टी नाइन फिफ्टी ये भी स्लीमन जी ने लिखी थी जो कि पब्लिश हुई थी दो पार्ट्स में और कहाँ हुई थी लंडन में अवध ठीक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये लिखी है किसने तो ये लिखी है वी डी सावरकर जी ने इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस 1857 फिफ्टी सेवन एंड नेम्ड द रिबेलियन फिफ्टीन फिफ्टी सेवन इज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन इज बुक वाइल एल आर सी मजूमदार डिड नॉट कंसिडर द रिबेलियन एज अ फ्रीडम स्ट्रगल आर सी मजूमदार इसको फ्रीडम स्ट्रगल नहीं मानते थे देखिए सबके अपने अपने व्यूज़ थे जो उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में लिखे थे जैसे वी डी सावरकर ने इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया ये उसको फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस भी मानते थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी मानते थे इसको जबकि मजूमदार जी इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं मानते थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑथर्स और बुक्स को मैच uh, करना है आर सी दत्त इंडियन इकॉनमी आर सी दत्त जे आर मैकलिन बी एन गांगुली एंड विपिन चंद्रा तो देखिए बिपिन चंद्रा की तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ये तो सही है ठीक है तो डी का तो फोर हो जाएगा जो कि एक ही में ए आंसर होना चाहिए ए इज़ टू आर सी दत्ता तो देखिए दत्त तो और नेहरू जी दो लोगों ने इकोनॉमिक uh, जो कंडीशन थी उस समय भारत की उसके बारे में लिखा था तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल ये लिखी है इन्होंने जे आर मैकलैन ने लिखी है इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस बी एन गांगुली ने लिखी है इंडियन इकनॉमिक थाट नाइनटीन सेंचुरी परस्पेक्टिव ठीक है तो नाइनटीन सेंचुरी परस्पेक्टिव इंडियन इकनॉमिक थाट बी एन गांगुली आर सी दत्त जी ने इंडियन इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल बी एन गांगुली ने लिखी है इंडियन इकनॉमिक थाट जैक जे आर मैकलैन ने लिखी इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस और बिपिन चंद्रा जी ने राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया अगेन सेम क्वेश्चन आ गया अब आपको याद हो जाएगा ये राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इट इज रिटन बाय बिपिन चंद्रा हु ऑथर्ड द बुक प्लैंड इकॉनॉमी फॉर इंडिया प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी है एम विश्वेशरैया ने एम विश्वेशरैया ऑथर हैं ऑफ़ द बुक प्लैंड इकॉनॉमी फॉर इंडिया इसमें इन्होंने ही पब्लिश हज़ ओन सजेश्स ऑफ अ टेन ईयर प्लान फॉर इंडिया नाइनटीन थर्टी सिक्स तो एम विेश्वेश्वरिया ने उस समय सजेस्ट किया था कि टेन ईयर प्लान और जैसे फाइव ईयर प्लान बाद में हमने आ, इंडिया ने चलाए थे तो इन्होंने टेन ईयर प्लान सजेस्ट किया था नाइनटीन थर्टी सिक्स में जिस बुक का नाम था प्लान इकानमी फॉर इंडिया द रूट्स ऑफ एंशेंट इंडिया ये लिखी है डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ने द रूट्स ऑफ एंशेंट इंडिया इस बुक में जो कल्चर है इन्हेबिटेंट्स का खासकर एशियन सब में ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरा वो ग्राफिकली इंट्रोड्यूस किया है ठीक है तो रूट्स ऑफ एंशंट इंडिया किसने लिखी है डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ने इंडिया सेकेंड फ्रीडम इंडिया सेकेंड फ्रीडम जो है वो आ, इसके राइटर कौन है तो देखिए लिखी किसके ऊपर है वो तो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी क्योंकि जब ये दोबारा से एक मुहिम लेकर आए थे उसको इंडिया की सेकेंड फ्रीडम भी बोला गया वो बोला किसने था बोला था एम जी देवाश्यम ने ठीक है तो वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको आ, बोनस पॉइंट के रूप में दिया था उत्तराखंड ने सो एम जी देवाश्यम ने लिखी है लेकिन किसके ऊपर लिखी है तो ये लिखी है लोक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर नेक्स्ट लिस्ट वन विद लिस्ट टू आपको मैच करनी है प्रिय प्रवास गबन इटर्नल इंडिया एंड शाहनामा देखिए शाहनामा फिर दोसी की है ठीक है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही तो इसलिए इसको एलिमिनेट करते हैं गबन बहुत ही फेमस एक नॉवेल है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है एक उपन्यास है जो प्रेमचंद जी ने लिखा है तो दो हमारे बी का हो जाएगा थ्री डी का फोर डी फोर बी थ्री तो ये आंसर होना चाहिए हमारा जी यही आंसर है टू अब ए का हो जाएगा टू प्रीप्रवास है अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई और इटर्नल इंडिया लिखी है इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया नेक्स्ट लिस्ट वन विद लिस्ट टू ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इंडिया अ वोंडेड सिविलाइजेशन कन्फेशन ऑफ अ लवर एंड द इंग्लिश टीचर देखिए इंग्लिश टीचर बहुत फेमस है ये आर के नारायण जी ने लिखी हुई है ठीक है आर के नारायण जी ने और इंडिया वोंडेड सिविलाइजेशन ये नाइपोलजी की है इंडिया अबूडेड सिविलाइजेशन दिस इज रिटर्न बाई वी एस नाइपोल तो दो एलिमिनेट हो गए दो से आंसर निकलता है कि हमारा डी का थ्री और बी का फोर डी का थ्री ओ दोनों में ही है डी का थ्री एंड बी का फोर ओके तो अब बात अटकेगी टू और वन पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन ये है निराज सिंह चौधरी जी की ए का टू तो बी आंसर हो जाएगा और कन्फेशन्स ऑफ अ लवर ये है मुल्क राज आनंद की कन्फेशन्स ऑफ अ लवर आई थिंक ये आपको जल्दी याद हो जाएगा नाम कन्फेशन्स ऑफ अ लवर ठीक है और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये निराज सिंह चौधरी ने लिखी हुई है so, सो लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमने मैच किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन निराज सिंह चौधरी अ वोडेड सिविलाइजेशन वी एस नाइपॉल कन्फेशन ऑफ अ लवर मुल्क राज आनंद और इंग्लिश टीचर आर के नारायण प्लानिंग एंड द पुअर ये बुक लिखी गई है बी एस मिनहास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर तो ये लिखी गई बी एस मिनहस बी एस मिनहास का पूरा नाम था बगीचा सिंह मिनहास। ठीक है फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट ये लिखी है कर्जन ने जॉर्ज एंड करजन ये ऑथर थे इस बुक के द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान कोरिया चाइना ठीक है जापान कोरिया चाइना ये फार ईस्ट इन्होंने इसमें दर्शाया था हु द अनटोल्ड स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी लिखी है जर्नल जनरल कॉल ने तो जनरल ब्रिजमोहन कॉल इसमें हाईलाइट किया गया है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी को हाईलाइट किया गया है इसमें द अनटोल्ड स्टोरी और इसको पब्लिश किया गया था 1967 में देखिए जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हार्डली ट्वेंटी क्वेश्चन मिलेंगे नई बुक्स के बट नहीं इसमें कुछ उससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो बट एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि जो एक बार आ चुके हैं वो इसलिए आए हैं जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो उस समय किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहे हैं या एक आध बार और आ जाएंगे इससे ज़्यादा बट जो बेसिक आपके जो बुक्स थीं जो हंड्रेड क्वेश्चन तक डिस्कस हो गई और आगे भी आ जाएंगी वो जो क्वेश्चन हैं दे आर एक्चुअली डिस्कस्ड वन मल्टीपल टाइम्स ठीक है तो आप देखिएगा अनटोल्ड स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी इज रिटन बाय जनरल कॉल फेमस बुक द एल्फ़ाबेट एल्फेबेट वॉज रिटन बाय अल्फाबेट लिखी है डेविड डरेंजर ने अ की टू द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड ठीक है तो अल्फाबेट द की टू द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड ये लिखी है ब्रिटिश फिलॉजिस्ट फिलोलॉजिस्ट डेविड डरेंजर ने ठीक है तो इसका नाम क्या है अल्फाबेट और अल्फाबेट uh, किसकी पेरेंट कंपनी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठीक है किसकी पेरेंट कंपनी है आपने सुना होगा आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोगों को ये पता ही होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली बट um, uh, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल्फ़ाबेट um, uh, नाम से एक किसी एक फेमस कंपनी uh, की पेरेंट कंपनी को हम कंपनी बोलते हैं वो कौन सी कंपनी है ओके ठीक है तो ये देखते हैं हम uh, ये किसने लिखी है लिखी है डेविड uh, डेरेंजर ने और uh, ये एक फिलोलॉजिस्ट थे ठीक है फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है जैसे कि कोई um, किसी भाषा किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री um, पे रिसर्च कर रहा है शोध कर रहा है <coughs> उसके लिटरेचर को ध्यान से पढ़ रहा है वो फिलोलॉजिस्ट होते हैं सो नेक्स्ट इज़ द बुक द प्राउडस्ट डे वॉज ऑथर्ड बाय द प्राउडेस्ट डे वॉज ऑथर्ड बाय एंथनी रीड एंड डेविड फिशर तो ये ना उस समय की फेमस भी जैसे ये दो हज़ार नौ का क्वेश्चन उस समय किसी ना किसी वजह से ये न्यूज़ में रही होगी तो ये भी है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होते हैं एक तरीके से इनको भी हमें अपने ध्यान में रखना है ऑल दो घटना चक्र जो है वो करंट अफेयर्स की इस तरीके की बुक नहीं निकालती क्योंकि जिस भी चैप्टर से रिलेट जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है वो उसी में हम ऐड कर देते हैं बाकी वो एक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन ज़रूर निकालता है लास्ट में जो हमारा एग्जाम होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले और वो हम डिस्कस करेंगे तो आप देखिए कि ये बुक्स ना उस समय बहुत न्यूज़ में रही होंगी तो इसलिए इनको रटना पॉसिबल uh, भी नहीं है और आई थिंक याद रह जाता है तो अच्छी बात है नहीं रह जाता है तो भी इतना परेशान नहीं होना है जो बेसिक्स हमने डिस्कस की इनिशियली हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखी गई या किसी पर्टिकुलर बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा लिखी गई वो हमें याद रखनी है और अभी इसके अलावा जो बुक्स आप करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे और उसमें जो फेमस बुक्स का एक पूरे चैप्टर निकालते हैं घटना चक्र में या कोई भी बुक जो आप फॉलो करते हैं उसमें भी ऑब्वियसली वो देते होंगे तो वो आप देखिएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा जो भी न्यूज़ में रही होंगी ठीक है नेक्स्ट लिस्ट वन लिस्ट टू माय म्यूज़िक माय लाइफ आई गेस ये रवि शंकर जी की होनी चाहिए आधा गांव राधा और प्लेफर तो देख लेते हैं नहीं मालूम है मुझे इसके बारे में ज़्यादा आधा गांव राही मासूम रज़ा की है राधा श्री रमाकांत रथ की है और पिलफिरर ये लक्ष्मण गायकवाड़ जी की है ठीक है तो माई म्यूज़िक माई लाइफ बस पता थी तो ये पंडित रविशंकर जी की है और एक फोर देखिए दो तो इसमें से एलिमिनेट हो जाते और आधा गांव में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था रज मतलब फिफ्ट सेवेंटी परसेंट मेरा अनुमान जा रहा था तो मेरा एलिमिनेशन ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए आधा गांव इस बी बी का टू बी का टू तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये आंसर लगाती अगर इफ़ आई वुड हैव बीन गिविंग द एग्जाम एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और देखिए ये आई का क्वेश्चन है और ये सारी बुक्स उस समय न्यूज़ में पक्का रही होंगी इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे ठीक है हूज़ ऑटोबायोग्राफी इज द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ ये है पंडित रविशंकर जी की विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैश्ड बाकी इतिहास बादल सरकार ये सही है सीता स्वयंवर विष्णुदास दवे ये भी सही है ययाति ये, ये गिरीश कर्नाड की बुक नहीं है ये विष्णु सखाराम खांडेकर जी ने लिखी है ययाति और गिद्धा गिद्धा लिखी है जब्बर पटेल ने ठीक है थीके? तो ययाति जो है वो इट इज़ रिटन बाय विष्णु सखाराम खांडेकर अगेन लिस्ट वन विद लिस्ट टू शशि थरूर अमिताभ घोष अनिता देसाई विक्रम चंद्रा क्लियर लाइट ऑफ द डे सर्कल ऑफ़ रीज़न लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे शो बिजनेस तो देख लेते हैं इसके आंसर्स बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस शशि थरूर जी ने लिखी थी शो बिजनेस नाइनटीन का क्वेश्चन है अमिताभ घोष जी की थी सर्कल ऑफ रीज़न बस एक ही आती थी अनिता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड विक्रम चंद्रा लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे ठीक है तो ये सुने थे कंफ्यूज हो रहे थे ये श्योर था ऑफ रीजन आ, बाकी ये भी आ जाते थोड़ा समय देने हैं तो आ जाते हैं ये भी तो कभी भी आप फंस रहे हो तो एक बार थॉट दे के देखा कीजिए अगर लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्लैंक है तो फिर आप उसको स्किप कीजिए ठीक है लव एंड लॉन्गिंग देखिए अगेन नाइनटीन का क्वेश्चन है आर का लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे ये विक्रम चंद्रा जी की तो आप समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि उस समय किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रही है ठीक है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्रा बुक एंड ऑथर घर और अदालत झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक इमेजिनिंग इंडिया कुलश्रेष्ठ जर्नी थ्रू सॉरी इमेजिनिंग इंडिया महेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे ये जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड ठीक है तो इसमें भी कुछ अनुमान है और कुछ नहीं है देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है घर और अदालत लिखी है लीला सेठ जी ने जोपरी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है इमेजिनिंग इंडिया नंदन नीलकर्णी जी की है और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड टी एस आर सुब्रमण्यम की है जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड टी एस आर सुब्रमण्यम इमेजिनिंग इंडिया नंदन नील किणी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ और घर और अदालत लीला सेठ गोदान एंड गबन देखिए बहुत ही फेमस है गोदान और गबन गोदान और इनके ऊपर सीरियल भी बना हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी से के द्वारा लिखित हैं ये उपन्यास गोदान गबन रंग भूमि कर्म भूमि निर्मला ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के मास्टरपीस हैं निर्मला अगेन मुंशी प्रेमचंद विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालीदास मेघदूतम कुमार संभवम उत्तर उत्तरमाचरितम और ऋतु संघारम तो देखिए उत्तरमाचरितम भवभूति की है ये वाली जो बुक है ये भवभूति जी की है ठीक है बाकी तीनों मेघदूतम दूतम कुमार संभवम और ऋतुसंगारम ये तीनों ही कालिदास जी ने लिखी हैं और ये उनका संस्कृत आ, ड्रामा है तो कालिदास एक बहुत ही ग्रेट पोइट थे ड्रामेटिस्ट थे इन द संस्कृत लैंग्वेज ही प्लेज एंड पोइट्री वर प्राइमरीली बेस्ड ऑन वेदास महाभारत एंड द फिलोसफी ऑफ इंडिया मेघदूतम दूतम कुमार संभवम ति, तितु संभा संभारम ये सब कालिदास जी ने लिखे हुए हैं उत्तर मार्च ऋतम इज फेमस बुक रिटन बाय भव थी सोजे वतन सोजे वतन ये किसने लिखी ये भी प्रेमचंद जी की बुक है सोजे वतन इज रिटन बाय द रिनोन्ड ऑथर ऑफ हिंदी लैंग्वेज मुंशी प्रेमचंद द ऑथर ऑफ मालगुड़ी डेज दे बहुत ईजी है और बहुत ही फेमस बुक है मालगुड़ी डेज़ के ऑथर हैं आर के नारायण जी आई टुक द नेम मालगुड़ी डेज और मुझे वो म्यूज़िक uh, दिमाग में बजने लगा जो मालगुड़ी डेज अगर अगेन आई आय से कि अगर आप में से किसी ने देखा है तो आप उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे Um, बहुत ही अच्छा इसको पोर्ट्रेट किया गया था मालगुडी डेज को भी सो द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज़ आर के नारायण हंस हंस क्रिस्टियन एंडरसन सॉरी हैंस है कि हंस है आई डोंट नो हैंस होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ इंग्लिश नेम सो हैंस क्रिस्टियन एंडरसन इन्होंने क्या लिखा था सो so इन्होंने लिखा था स्टोरी ऑफ फेरीज़ ठीक है तो इन्होंने डिस्क्राइब की थी द स्टोरीज ऑफ़ फेरीज डेट फास्ट इन सोल्जर स्नो क्वीन लिटिल मर्मिट थम्बेलना ये कुछ और इनके मास्टर पीसीज हैं नाइन्टी थ्री का है बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है आपको फिर से बोल रही हूँ आप क्वेश्चन देख के समझा कीजिए कि ये क्वेश्चन किस पीरियड में पूछे गए हैं और बहुत ही एक या दो बार से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं तो आपको उन क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है हो सकता है वो कभी भी फ्यूचर में रिपीट ना हो और हो सकता है कभी हो जाए अगर किसी वजह से वो ऑथर या वो बुक किसी न्यूज़ में रही हो ठीक है अमंग द फॉलोइंग फॉर द किंग मेकर ज्यूरिंग मुगल पीरियड तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किंग अब ये यहाँ क्यों पूछा गया है पता नहीं मुझे मैगजीन्स और बुक्स में बट एनी वेज सो ऑथर हु अमंग द फॉलोइंग फॉर द किंग मेकर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड तो ये थे हुसैन अली एंड अब्दुल्ला तो इनको सैयद अब्दुल्ला और सैद हुसैन अली भी बोलते थे सैयद ब्रदर्स विकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द मुगल कोर्ट आफ्टर औरंगजेब डेथ एंड बिकेम किंग मेकर्स ड्यूरिंग द एन फॉलोइंग द डेथ ऑफ एम्पर औरंगजेब इन 1707 जीरो सैयद ब्रदर्स रेफ़र करते थे सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हसन हुसैन अली खान बरहा को ठीक है कौन सा पेयर सही मैच है सी राजगोपालाचारी मणिशंकर सविता पांडे थैचर तो इसमें से सही कौन सा मैच है मणिशंकर अयर द पाकिस्तान पेपर्स मार्गरेट थेचर ने लिखी है द पाथ टू पावर ये इनकी बुक है द पाथ टू पावर इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा और फ्यूचर ऑफ एन ये लिखी है सविता पांडे जी ने फ्यूचर ऑफ़ एन सविता पांडे जी अ गैलरी ऑफ रैसकल्स ये किसने लिखी है तो गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट फेमस बुक है रस्किन बॉन्ड की अ गैलरी ऑफ रैसकल्स रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ उन्नीस मई उन्नीस को ये इंडियन ऑथर है लेकिन ब्रिटिश डिसेंट के हैं द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकोगनाइज हिज़ रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1992 में कौन सी बुक के लिए फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दहरा इसके अलावा इन्होंने गैलरी ऑफ रास्कल्स भी लिखी और बहुत ही ज़्यादा बुक्स और भी न्यूमरस बुक्स इन्होंने लिखी है द ऑथर ऑफ़ द गोल्डन गेट गोल्डन गेट के ऑथर कौन थे विक्रम सेठ देखिए आज आई वॉज वॉचिंग एन एपिसोड ऑफ के बी सी एंड थोड़ा चार पाँच दिन पहले का एपिसोड था और उसमें ये बुक के बारे में पूछा था मैंशन ये था कि गोल्डन गेट में विक्रम सेठ जी ने कौन से शहर का वर्णन किया है कौन से शहर को बताया गया है उसमें सो दिफोर आप ऑप्शनस लंडन और पेरिस आइस एंड वन वॉज दिस सैन फ्रांसिस्को तो यहाँ भी मतलब हम इनके बारे में अगर आप घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं तो आपको आधी जानकारियाँ हो जाती हैं ठीक है आप पूरी अगर कभी के बी सी में जाने का मौका मिले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारी घटना चक्र पढ़ के चले जाइए आप जिस राज्य के हैं उस राज्य की आ, कुछ बेसिक बातें पढ़ के चले जाइए बिकॉज पूछा कुछ भी जा सकता है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं बिकॉज हम अब इस पोजिशन में हम इस तैयारी के फेज़ में हैं जहाँ ऑलमोस्ट जब मैं पूरा एपिसोड देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नाइन्टी परसेंट मैं इसमें आंसर कर पा रही हूँ पता नहीं वहाँ जाके क्या होता होगा हॉट सीट पे बैठ के हम आंसर भूलते होंगे या क्या होता होगा वो तो उसी टाइम पे लोग बैठते हैं वही बता सकते हैं बट यहाँ बैठ के मैं 90 परसेंट से ज़्यादा आंसर कर पाती हूँ बहुत ही हार्डली कुछ ही जगह ऐसा होता है जहाँ अटक रहे हैं और वो उसमें भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है आपको आप ब्लैंक नहीं होते बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ ब्लैंक हो जाते हो ठीक है तो ये भी एक अच्छा हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं Although मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया सोचते हर साल हैं बट नहीं करते हैं अभी शायद वक्त नहीं होगा बट जब से ये इसकी प्रिपरेशन शुरू की है की थी सिविल सर्विसेज की तो लगा कि ये वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी आपका आप हर जगह आप अगर आपको नॉलेज है और एक्चुअल नॉलेज है तो आप उत्तर देने लायक होते हो ठीक है आपको कुछ जानकारियाँ होती हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होता है जोग्राफी तो कभी कभी लगता है कि नहीं ये वेस्ट नहीं जा रहा है ये चीज़ सो एनीस गोल्डन गेट आया तो याद आ गया और मैंने आज ही वो एपिसोड देखा था सो ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट इज़ विक्रम सेठ और इसमें इन्होंने सैन फ्रांसिस्को की बात की थी सो बुक एंड टाइटल गोल्डन गेट ये लॉन्च um, हुई थी नाइनटीन में एंड ये इनकी पहली नावल थी हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी एंड टाइटल द लखनऊ बॉय तो लखनऊ बॉय जो है वो लिखी है ऑटोबायोग्राफी किसकी विनोद मेहता तो ये जर्नलिस्ट हैं विनोद मेहता इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम था लखनऊ बॉय द बुक लखनऊ बॉय वॉज रिटन बाय विनोद मेहता देखिए कुछ ही पीरियड के अंतराल के दो क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट इज साइलेंट स्प्रिंग साइलेंट स्प्रिंग लिखी है बहुत ही फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग इट इज रिटन बाय रिचिल कार्सन तो बायो साइंटिस्ट हैं ये रिचिल कार्सन इनके द्वारा ही लिखी गई थी एंड इट रेज द क्वेश्चन ऑन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स ठीक है रिचिल कार्सन हु रोड द सैटेनिक वर्सेज बहुत फेमस बुक है अगेन सलमान रुश्ती सैटेनिक वर्सेस ये फोर्थ नावल थी सलमान रुश्ती की 1988 में ये पब्लिश हुई थी टू ईयर्स एट मंथ्स एंड ट्वेंटी एट नाइट्स इज़ अ बुक रिटन बाय टू ईयर्स एट मंथ्स एंड ट्वेंटी एट नाइट्स ये लिखी है सलमान रुश्ती ने टू ईर्स एट मंथ्स ट्वेंटी एट नाइट्स दो साल आठ महीने अट्ठाईस रातें हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम सेक जुम्पल आई डी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस बुक जुम्पल आई डी एक पुलित्जर प्राइज विनर है शिवान द पुलित्जर प्राइज़ फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रिटर ऑफ मेलेडीज़ इन दर टू थाउजेंड ठीक है तो इनको ये जो पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो अपने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए मिला था जिसका नाम था इंटरप्रिटर ऑफ मेलडीज़ मैलडीज़ होना चाहिए आई गेस मैलडीज़ मैलडाइज माला आई डोंट नो एक्चुअली आई डों आई वेंट हर्ड पढ़ा भी होगा तो भूल गए मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है हाँ इनकी नेम सेक के बारे में मुझे पता है बट uh, इसके बारे में नहीं पता है एनी वेज द ऑथर ऑफ द बुक द रोड अहेड इज रिटन बाय रोड अहेड लिखी है बिल गेट्स ने बहुत फेमस बुक है बिल गेट्स की भी द रोड अहेड एंड ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन फिफ फाइव में ऑथर ऑफ द बुक मानस के हंस मानस के हंस अमृतालाल नागर जी की बुक है ठीक है और ये बेस्ड है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर अमृता लाल नागर सुमित्रंदन पंत हैज़ बीन नोन एज, अब ये पूछ रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत कौन से काल के कवि थे मतलब उनको कौन सा पोइट माना जाता था भक्तिवादी जब आप अगर आप में से कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है तो वो ये बेहतर बता सकता है मैंने तो ऑब्वियसली इसको आ, उनकी कुछ एकाध रचनाएँ ही पढ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ी दुर्भाग्य है मेरा लेकिन आ, जो थोड़ा बहुत पढ़ा उससे और रटा ही है कि वो छायावादी कवि थे ठीक है भक्तिवादी प्रगतिवादी वीर रस पोइट या छायावादी तो ये फिक्शनल पोइट थे सुमित्रानंदन पंत और ये बहुत ही लीडिंग पोइट थे हिंदी लैंग्वेज के मॉडर्न पीरियड के उनके कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बुक्स को देखें तो चिदम्बरम लोकायतन युगवाणी पल्लव भारत माता ग्रामवासिनी और कला और बूढ़ा चांद काला और बूढ़ा चांद और ये एक छायावादी कवि थे तो मैंने इनमें से सिर्फ एक ही वाली बुक पढ़ी काला और बूढ़ा चांद और छायावादी कवियों में इनकी गिनती होती है द ऑथर ऑफ डाइना अट्रीब्यूट इज ये लिखी है जूलिया डिलानो ने द बुक एंड टाइटल डाइना अट्रीब्यूट 1997 हु इज़ कॉर्नेलियस फज इन द ना हैरी पॉटर तो भाई हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी है तो वो ईजीली इसको बता सकते हैं कि ये कौन थे ये थे मिनिस्टर ऑफ मैजिक जो जादू करते थे उन उसके जो मंत्री थे कॉर्नेलियस फर्ज ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हैरी पॉटर में ये और मिनिस्टर ऑफ मैजिक सो इन द ना हैरी पॉटर रिटन बाय द फेमस ब्रिटिश ऑथर आपको पता होगा ये ऑथर इसका नाम क्या था इनका नाम था जे के रोलिंग ठीक है इनकी स्टोरी भी आप सुनेंगे जेके रोलिंग की तो ये भी बहुत इंस्पायरिंग आप देखिए किसी भी आ, बड़े इंसान की स्टोरी बड़े इंसान मतलब कि जो बड़ा हुआ है ख़ुद से अपनी मेहनत से उसकी बात कर रही हूँ मैं वो उसकी स्टोरी हमेशा इंस्पायरिंग रहेगी आपको ये भी एक बहुत ही ऐसे स्टेज पर आ गई थी जहाँ कुछ नहीं था इनके पास एंड देन ही शी स्टार्ट राइटिंग ओनली और ये उनका भाग्य भी था और उनकी मेहनत भी थी कि ये स्टोरी कहीं ऐसी जगह पहुँची और इस पर आज नाउ शी इज़ अ ओन नेम जिसके लिए हम Uh, जिसको हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स में हम आंसर देंगे इनके अपने एग्जाम्स में ये हमको दो नंबर दिलवाएंगी तो आप समझ रहे हैं शी इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन नाउ और ये सब इनकी मेहनत से हुआ सो so हमें भी मेहनत करते जाना है रुकना नहीं है सो अरेंज द पोएम्स ऑफ लेट हरिवंश राय बच्चन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स किन बिलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले आई तो मधुकलश, मधुबाला मधुशाला तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी सबसे पहली जो बुक आई थी वो मधुशाला थी 1935 में उसके बाद 36 में मधुबाला आती है और उसके बाद मधु कलश आती है 37 में 35, 36, 37। मधुशाला मधुबाला और मधु कलश द बुक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर ये बुक लिखी गई है जूलियस रिओ के द्वारा ठीक है बुलेट फॉर बुलेट माय लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर ये ऑटोबायोग्राफी है जूलियो रिपेरो ठीक है तो ये होते हैं हमारे 150 फिफ्टी क्वेश्चन नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप रिवाइजिंग फिर से बोलूँगी जो पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चन है जो एक या दो बार आए हैं आप देख लीजिए बट बहुत ज़्यादा उनको रटने की कोशिश मत कीजिएगा बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है बट टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि उसकी जगह आप टाइम लगाएंगे अगर इस साल पिछले दो साल की बुक्स के ऊपर या पिछले दो साल के करंट में जो बुक्स रही हैं उस पर तो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा बिकॉज 97, 98 की बुक्स का रिपीट होना के चांसेस बहुत ही नेग्लेजिबल हैं ठीक है थीके? तो स्मार्ट स्टडी करनी है लेबर करना बहुत जरूरी है बट स्मार्ट लेबर राइट कि ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट जाएँ उसी में तो 50 क्वेश्चन आप सिर्फ रिपीट रटे चले जा रहे हैं कि 98 का क्वेश्चन है 2001 का क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन है नहीं अभी हो गए दस बारह पंद्रह साल हो गए तो उतने क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं अनटिल एंड अनलेस वो कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस जैसे विक्रम सेठ जी का है उनको पहली बार प्राइज़ नवाजा गया वो हो सकता है रिपीट हो ठीक है वो हो सकता है रिपीट हो जाए बट उस समय के लिए पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑथर रहे हैं तो वो उसमें पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे कि इस साल या लास्ट ईयर या 2022 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी उनके पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली ओके okay? so till then keep revising keep studying jai hind jai bharat